हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा हैं। आज है संडे, तो हम शेयर करने वाले हैं संडे अपडेट की वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर दोपहर के लगभग 11 बज रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है और फ्लावर खिले हुए थे लेकिन थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से ख़राब भी हो रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और इस प्लांट को धूप बहुत ही कम पसंद है। यानी कि ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से इसके पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा येलो होती हैं और इसके फ्लावर भी ख़राब होने लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आज 3 फ्लावर खिले थे। वैसे तो देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल इसमें आए हुए हैं, बहुत ही बिग साइज़ के फ्लावर इसमें आते हैं और कलियाँ भी लगभग सभी जगह कलियाँ हैं। यहाँ पर भी कलियाँ हैं, यहाँ पर भी कलियाँ हैं और इसी तरह से एक रेड फ्लावर भी खिला हुआ था। इसके भी देखिए थोड़े से पेटल्स बर्न हो गए हैं। तो इनमें फ्लावरिंग अच्छी होती रहती है। देखिए कलियाँ कितनी सारी आ रही हैं और इधर हमारे सारे अडेनियम। तो अडेनियम में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है और थोड़ा सा पानी की कमी की वजह से इसके भी सीड पॉट थोड़े ख़राब हो गए हैं एक प्लांट के। ये देखिए यहाँ पे सीड पॉट बने हुए थे तो मैंने पानी नहीं दिया था, उसी वजह से इसके थोड़े से ये बर्न हो गए हैं और इसमें सीड शायद मैच्योर हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये ख़राब हो गया है सीड। और दूसरे बन रहे, देखिए यहाँ पर भी बन रहे हैं न्यू, यहाँ पर भी बन रहे हैं और यहाँ पर भी एक बन रहा है। ये देखिए एक ये वाला, शायद ये वाले में बन जाएंगे सीड। और इधर सारे हमारे अडेनियम ही हैं, ये देखिए। और इधर भी सारे अडेनियम का कलेक्शन है मेरा पूरा। ये एक अरेलिया का प्लांट है जो बहुत ब्यूटीफुल सा है, बड़ा सा प्लांट है। और यहाँ पर ऑरेंज वाले में देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हैं। आज इसमें फ्लावर नहीं आए हैं, फ्लावर इसमें कल परसों तो लगभग रोज़ ही आते रहते हैं लेकिन आज इसमें नहीं आए हैं फ्लावर। इधर हमारा ये वाइट एक जोरा है, ये देखिए। इधर एक क्रोटन है, यहाँ पर एक अडेनियम और है जिनको मैंने थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिए। देखिए छोटे छोटे से 5 इंच के पॉट में लगे हुए थे जिनको मैंने अभी, एक को तो मैंने 8 इंच के पॉट में लगा दिया और दूसरे को मैंने 6 इंच के पॉट में लगा दिया क्योंकि इनके कोडेक्स काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मेरे लास्ट ईयर के जो सीड से मैंने ग्रो किए थे प्लांट वही वाले हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे से बढ़ेंगे। और देखिए फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। एक सीड पॉट भी बना था लेकिन इसका सीड पॉट भी ख़राब हो चुका है। इधर ये देखिए कोलियस है जो बहुत सुंदर से हैं। कोलियस की मेरे पास लगभग 8 वेराइटी है और ये मैंने मधुकामनी को रिपोर्ट करके यहीं पे अभी रखा हुआ है। वैसे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं गए जबकि मैंने काफ़ी सारे इसके रूट्स भी ओपन कर दी थी। ये इधर हमारा ये एक प्लांट है और ये का प्लांट है तो येलो हिबिस्कस बहुत ही सुंदर है। इसकी जो प्लांट का फ्लावर का साइज़ है बहुत ही बिग साइज़ का फ्लावर इसमें आता है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है, बहुत ही अच्छे से इसकी मैंने कटिंग लगा कर प्लांट भी और तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे सारे विंटर्स प्लांट हैं, हाइब्रिड इनका है ये। तो यहाँ पर देखिए हमारे डेंथस के प्लांट हैं जो कि लास्ट ईयर के हैं और इनको भी अच्छे से हम खाद वगैरह दे देंगे। अगर आपके पास प्लांट बचे हैं तो उनको अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, गोबर की खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए और अच्छा यानी फर्टिलाइज़र देकर मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए तो प्लांट आपके बहुत अच्छे पूरे साल ये फिर से फ्लावरिंग करेंगे। और इस तरह से जो सूखे हुए फूल हैं इनको बिल्कुल हटाते जाइए प्लांट से तो यहाँ न्यू न्यू ब्रांच निकल करके आएंगी और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे। पुराने गमलों को अच्छे से क्लीन करके आप उनको पेंट वगैरह भी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा वेडिलिया भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहा है, बहुत प्यारे प्यारे फूल इसमें आते हैं, छोटे छोटे से आते हैं लेकिन बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। और इसको अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगा देंगे तो नीचे की तरफ ये ऐसे लटकती हुई ब्रांच इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर ये सारे हाइब्रिड विनका हैं, सारे क्या कहूँ, अब 2-4 प्लांट ही बचे हैं मेरे पास लेकिन ठीक है चल रहे हैं। देखिए एक ये है, एक ये रेड कलर है और एक ये, तीन वेराइटी ही थी मेरे पास, तीनों के एक एक दो दो प्लांट ही बचे हैं, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए यानी बारिश की वजह से। और ये क्रोटन की जो कटिंग लगाई थी सारी वो भी अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और यहाँ पे हमारा जेड प्लांट है ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा हेल्दी है और इसकी स्टेम बहुत अच्छी है। ये देखिए यहाँ से तो मैं इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ ताकि और ज़्यादा घना होता रहे। और यहाँ पे भी अडेनियम की मैंने कुछ प्रूनिंग कर दी थी, देखिए न्यू ब्रांच निकल करके आई हैं, इसमें 3 से 4 ब्रांच हो गई है एक प्लांट में। ये सारे कोलियस हैं, ये टोरेनिया के प्लांट है जो मैंने सबको रिपोर्ट कर दिया था, सभी को तो अभी नहीं किया, अभी भी कुछ ग्लासेस में लगे हुए हैं देखिए। और जो कुछ जिनको रिपोर्ट कर लिया है इसको पॉलीबैग में किया है, इनको तो मैंने छोटे छोटे प्लांटर में किया था, पॉट में लगा दिया था तो इनकी फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और ये भी सारे कोलियस हैं, ये देखिए ऐसे फ्लावर भी खिला हुआ है। इधर पेंटास का प्लांट है, इसकी मुझे पिंचिंग सारे ही हटाने हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें, इसकी डेड हेडिंग करनी है, बहुत सारी ब्रांच हो गई है तो ये जरूरी है करना। इसको आप हटाते जाएंगे इस तरह से सूखे हुए फूलों को तो इसमें न्यू ब्रांच निकल करके आएंगे और प्लांट आपका अच्छा घना होता रहेगा। ये देखिए इस तरह से
इधर सारे हमारे क्रोटन है, ये एक जोरा है, ये इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इधर सारे अडेनियम ही है, ये देखिए। उधर भी विंका की मैंने कुछ कटिंग लगाई तो वो भी ग्रो हो रही है। और ये एक जोरा देखिए, कितने सुंदर फ्लावर हैं इसके। और यहाँ पर करांचो है, जेट प्लांट है, ये सारी विंटर की सीडलिंग है। देखिए कैलेंडुला है जो मैंने घर पे ही ग्रो किया है इनको। और यहाँ पर ये पूरे फुल सनलाइट में रहते हैं। देखिए टमाटर कितने सारे ग्रो हुए, हर प्लांट में, हर उसमें टमाटर ग्रो हुए हैं। ये देखिए कितने सारे टमाटर यहाँ पे ग्रो हुए हैं। तो लास्ट ईयर तो मैंने लगाए थे लेकिन इस बार मैं नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए पिटूनिया मेरा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसको थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने पिंच कर दिया, तो देखिए साइड से ब्रांच निकल रही हैं। अगर आपका प्लांट लंबा हो रहा है तो आप उसको ऊपर से पिंच कर दीजिए थोड़ा सा, तो वहाँ से साइड ब्रांच निकालेगा और प्लांट आपका अच्छा बूसी बनेगा। फिर ये अडेनियम है, इनकी मैंने पिंचिंग नहीं की थी, दो तीन प्लांट की। देखिए कितने अच्छे से ये भी हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, पिंचिंग नहीं करी। उसके बाद देखिए नीचे से तीन ब्रांच निकल रही है इसमें। और ये तो बाद की सीडलिंग है जो मैंने बाद में लगाई है। और यहाँ पर कैलेंडुला ही है ये भी, ये देखिए ये अडेनियम है, ये बिगोनिया है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसको मैंने रिपोर्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा सुबह की लगभग आधे घंटे की धूप इसको लगती है। ये कलंचो है। और ये मैंने जो आइस प्लांट की सीडलिंग करी थी उसकी देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और कुछ प्लांट गिर भी गए हैं लेकिन अगर मुझे इसमें से 8-10 प्लांट भी मिल जाते हैं तो मेरे लिए बहुत है। काफ़ी सारे प्लांट ग्रो हुए हैं, देखिए पूरा गमला भरा हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं ये। ये देखिए इधर एक चांदनी का प्लांट है जो ये भी बहुत अच्छे से, देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर हैं। इसको मैंने इसी समय कटिंग से ही लगाया था, अभी जुलाई में लगाया था इसको कटिंग से, और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इधर सारे अडेनियम की सीडलिंग है मेरी जिनकी मैंने पिंचिंग करी थी, तो इसमें 3-4 ब्रांच है। और यहाँ पर भी ये देखिए एक गेंदे का प्लांट भी है जिसको मैंने ऊपर से कट करके इसकी कटिंग लगा दी है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और यहाँ से न्यू ब्रांच निकल रही है। इसको थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा आप गेंदे में, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें पेस्ट वगैरह का अटैक होता है। तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए और थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे बीच बीच में करते रहिए ताकि प्लांट आपका काफ़ी अच्छा हेल्दी रहे। और अडेनियम के प्लांट में भी आप अच्छे से फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए बीच बीच में। अभी देखिए इसमें पत्तियाँ येलो हो रही थोड़ी सी, तो ये बस मौसम चेंज हो रहा है इसी वजह से इसकी पत्तियाँ येलो हो रही हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ भी येलो हो रही हैं इस तरह से, आप उनको येलो पत्तियों को सबको तोड़ करके निकाल करके हटा दीजिए। जो निकाल रही हो ज़्यादा खींच के मत निकालिए कि वहाँ से इसमें थोड़ा सा फंगस भी लग सकता है फिर। तो जो पत्तियाँ निकल रही हैं उन्हीं को निकालिए, जो नहीं निकल रही हैं उनको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही बाद में गिर जाएंगी। और मिट्टी में भी इसके फंगीसाइड का स्प्रे करिए, जड़ों में भी और थोड़ा थोड़ा पत्तियों पर भी कर दीजिए ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे। यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी दोबारा से प्रून किए थे अपने अडेनियम के प्लांट, इनका देखिए कितने सुंदर इन्हें ब्रांच निकल कर आई हैं। ये देखिए इसमें तो लगभग 10 या 11 ब्रांच निकल कर आई है। देखिए और कोडेक्स देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे जो 5 की सीडलिंग थी वही वाली है और इसको मैंने प्रून नहीं किया है, इसमें 6 ब्रांच पहले से थी तो मैंने इसको प्रूनिंग नहीं करी है। और इनमें भी थी वैसे ब्रांच अच्छी, इसमें भी 2 ब्रांच ही थी, 3 ब्रांच थी, तो इसमें भी अब 6 ब्रांच हो गई है। तो प्रूनिंग करने से यही फायदे होते हैं। यहाँ देखिए मैंने हिबिस्कस को यहाँ से ऊपर से पिंच कर दिया था तो नीचे से कितनी सारी ब्रांच निकल रही है। ये मेरा येलो वाला हिबिस्कस ही है। यहाँ पर देखिए कोलियस की मैंने कटिंग लगाई थी, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई। जो एक बड़ा सा प्लांट था मेरे पास मैंने उसको हटा दिया क्योंकि उसमें मिलीबग का अटैक हो गया था और उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने पूरा प्लांट ही निकाल कर हटा दिया उसको। और यहाँ पर भी बहुत सारी कोलियस की वेरायटी है मेरे पास, कोलियस की लगभग 8 वेरायटी है। और यहाँ देखिए कितने ज़्यादा सुंदर सुंदर हैं, सारे ही बहुत सुंदर से हैं। इनमें देखिए कितने सुंदर पत्तियाँ हैं। ये हमारे कलांचो हैं, इसको भी थोड़ा सा सुबह की धूप देना। यहाँ पे धूप पहले तो आती थी लेकिन अब लगभग 1 हफ्ते से यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये एरेलिया जो मैंने रिपोर्ट किए थे, इधर भी देखिए कोलियस है, इसकी भी एक और वेरायटी है ये। और ये सारे कोलियस ही हैं। यहाँ देखिए इसमें मैंने पानी नहीं दिया तो मुरझाया हुआ सा है थोड़ा सा। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसकी मैंने एक और कटिंग लगा दी। एक कटिंग मेरी ग्रो हो गई थी यहाँ से जो मैंने कट करी थी और ये इसमें भी न्यू आ गए हैं। और यहाँ से मैंने कट करके इस ब्रांच को कट करके मैंने एक कटिंग और लगा दी है उसकी और ये न्यू ब्रांच निकल करके आई है अभी बिल्कुल नीचे रोड से। यहाँ से देखिए ये देखिए ये भी सारे कोलियस ही है। मैंने कुछ दिन पहले कटिंग जो लगाई थी वही है सारी। ये भी हाइब्रिड विन का है। ये देखिए रोज कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और अब हमको इसकी प्रूनिंग भी करनी थी थोड़ी थोड़ी अक्टूबर में। देखिए येलो कलर का रोज है, एक मैंने रिपोर्ट किया था तो अभी उसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है ज़्यादा अच्छे से, हो रही धीरे धीरे। देखिए न्यू सूट से यहाँ से निकल रहे हैं। और ये मोर पंख है, यहाँ मैंने कुछ सीडम ग्रास है, ये सकुलेंट बहुत ही अच्छा है। इसकी मैंने कुछ कटिंग लगाई है, एक सीडम ये भी है। इसको कटिंग्स मैंने ग्रो कर लिया था, इसमें रोड्स आ गए थे तो मैंने रिपोर्ट कर लिया। ये हैंगिंग बास्केट मैंने 2 घर पे ही बनाए हैं अपने जो किचन के बाउल थे उनको मैंने नीचे बड़ा सा होल करके और फिर इनको मैंने हैंगिंग बना दिया। ये टर्टल लाइन लगाई है, इधर वाटर कैबेज है ये देखिए।
और ये है चार्ली क्रीपर की कुछ कटिंग लगाई थी, ये भी ग्रो हो गई है। तो हाइब्रिड हिबिस्कस में अभी आपको यही ध्यान देना है, अभी आप इसको बिल्कुल मतलब दोपहर की धूप से थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से धूप हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके यहाँ किस तरह से हो रही है वो तो मुझे नहीं पता। यहाँ देखिए ये हमारा मधुकामनी का प्लांट है, इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है। और ये भी देखिए पिंक कलर का हिबिस्कस है जो कि बहुत अच्छे से ब्लूम कर रही है। अडेनियम है हमारे सारे, और इनकी पत्तियाँ ऐसे में सभी की येलो हो रही है। इनको तो मैंने अभी न्यू ही रिपोर्ट किया है, बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इनके कोडेक्स देखिए बिल्कुल 5 इंच के पॉट में लगे थे और कोडेक्स बिल्कुल बाहर एकदम दब रहा था। तो मैंने 3-4 प्लांट अपने इसी तरह के गमले में रिपोर्ट कर लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कोडेक्स बन रहा है इनका। इधर देखिए हमारे मैंडविला में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी इसमें फ्लावरिंग होती है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फूल आते हैं और इतने दिनों से इसमें फ्लावरिंग, कभी इसकी फ्लावरिंग बंद नहीं होती है, हमेशा इसमें फूल आए रहते हैं, बहुत सारे फूल आए रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बस इसको मैं वर्मी कम्पोस्ट और अपना जो किचन वेस्ट कम्पोस्ट है उसका लिक्विड, यानी जो किचन वेस्ट होता है उसका लिक्विड बना करके फर्टिलाइजर देती हूँ यही सारे। यहाँ पर मैं देखिए कैलेंडुला की थोड़ी सी सीडलिंग पड़ी हुई है, इसको अब मुझे पॉलीबैग में मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि गमले इतने सारे नहीं अरेंज हो पाएंगे, बहुत सारी सीडलिंग है कैलेंडुला की। तो मैं छत पे देखूंगी, थर्ड फ्लोर पे अपने जहाँ पे भी जगह मिलेगी तो मैं इनको लगा दूंगी वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो गए हैं। इस सिंगोनिया में हमारा ये भी बहुत अच्छे से ग्रो, बिल्कुल अंदर रखा था मैंने तो इसको थोड़ा मैंने बाहर निकाल के रखा है, ये बिल्कुल वहाँ पे कोने में रखा हुआ था बिल्कुल अंदर घुसा के। तो थोड़ा लंबे से होने लगते हैं प्लांट अगर इनमें बिल्कुल अच्छे से लाइट नहीं लगती है तो। और ये देखिए ये वाला भी, इसकी मैंने कल बहुत सारी पत्तियाँ भी कट कर दी हैं, इसको मैंने 2-3 दिन धूप में रख दिया था तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी इस तरह से येलो हो गई थी। ये देखिए तो मैंने बहुत सारी पत्तियाँ इसकी जो लंबी जा रही थी ज़्यादा उनको मैंने कट कर दिया। फिर ये हमारी सारी विंटर की सीडलिंग है जो मैंने अभी ही ऐड करी अपने गार्डन में, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले हैं लेकिन जितने मिले हैं उनको मैंने लगा दिया है, और 2-3 दिन इनको मैं छाया में ही रखूँगी, उसके बाद मैं इनको थोड़ा सुबह की धूप में शिफ्ट कर दूँगी सभी को, क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही हुआ है मुझे इसको लगाए हुए अभी। ये देखिए यहाँ पर डहेलिया के भी है, और मेरे पास जेरेनियम का तो एक ही प्लांट था, वो भी ख़राब सा हो गया है, पता नहीं क्योंकि वो बिल्कुल ओपन थी उसके रूट्स। और ये देखिए फाइकस है, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इधर देखिए हाइब्रिड विंका की कुछ कटिंग लगाई थी, सारी ही ग्रो हो गई हैं, ये रेड कलर वाला है। और ये हमारा बॉल अरेलिया, इसको मैंने थोड़ा सा कल शेप दिया है थोड़ा सा कट करके, ये देखिए बॉल की शेप में थोड़ा सा ब्रांच जो ऊपर ज़्यादा बढ़ रही थी और थोड़ा सा मिलीबग का अटैक भी था तो मैंने स्प्रे भी किया हुआ है इसमें, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मैंने तो एमिडा क्लोप्रेट का ही स्प्रे कर दिया था लेकिन कोई नुकसान ऐसा हुआ नहीं है, ये देखिए बिल्कुल, और मिली बग्स भी गायब हो गए हैं, कुछ भी अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ जो तुलसी जी का प्लांटर मैं लेके आई थी उसमें देखिए मैंने छोटी सी तुलसी जी लगा दी है, पहले मैंने सोचा था बड़ा लगाऊँ लेकिन छोटे से लगाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर सारे हमारे सकुलेंट हैं ये देखिए, और कुछ मैंने लीफ भी रखी थी तो ये भी धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। वैसे लीफ के प्लांट बहुत लेट में तैयार होते हैं, जब तक हमारे यहाँ गर्मियाँ आ जाती हैं। ये देखिए लुढ़क गया था तो सारा मिट्टी मिट्टी हो गया इसमें, फिलोडेंड्रोनी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और ये अरेलिया है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इनको मैंने सबको रिपोर्ट कर लिया, आपको दिखाया था, ये भी सकुलेंट है। ये देखिए हवर्थिया है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, इन सब का नाम नहीं पता, ये सीडम है। और ये क्रैसुला है, ये देखिए एक ही प्लांट है मेरे पास अभी, ये स्नेक प्लांट है और इसकी मैंने लीव से भी प्रोपोगेट किया है इसको। और ये एग्लोनिमा है, देखिए जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से न्यू ब्रांच निकल रही है इसमें। ये देखिए इसमें 3 प्लांट थे और 3 में 1 में 2 2 शूट्स आ रही है और 1 में 2 में 1 1 ही आ रही है, तो यहाँ पे 4 प्लांट ये बनने वाले हैं। और जो कटिंग लगाई थी वो भी ग्रो हो रही है, देखिए अभी पता नहीं रूटिंग हुई होगी, हो गई होगी, वैसे प्लांट दिख रहा अच्छा। और ये देखिए सारे एग्लोनिमा है, ये भी एग्लोनिमा है, ये ट्रॉयस्ट और प्रेयर प्लांट भी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर भी थोड़े से सकुलेंट हैं, ये कुछ मैंने लीफ से प्रोपोगेट किया था। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा बेबी प्लांट भी आ गया है, मैंने कल आपको दिखाया भी था, ये एक पोलका डॉट का प्लांट है, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा है। अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, ये छोटा सा लेके आई थी बिल्कुल, ये मैंने पॉलीबैग में लगाया था, इसको रिपोर्ट किया था, बिल्कुल सीडलिंग ही लेके आई थी छोटी सी, और अभी मैं इसको पॉट में लगा दूंगी तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। फिर यहाँ पर हमारे जेट प्लांट है, यहाँ पर भी थोड़े से प्लांट हैं सकुलेंट के, ये देखिए यहाँ पर मैंने लीव्स लगाई है सेंसवेरिया की। और ये स्पाइडर प्लांट है, ये हमारा फाइकस है जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है बिल्कुल हेल्दी। और यहाँ पर ये बेबी टीयर्स, इधर मैंने कुछ अडेनियम, कल थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो मैंने यहाँ पर रख दिया था। देखिए मैंने इन सब की अभी प्रूनिंग करी है और इनमें सब में न्यू ब्रांच निकल करके आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, बस इनको थोड़ा सा बारिश से बचाना पड़ता है, प्रूनिंग अगर आप बरसात में करते हैं तो। ये सारे स्नेक प्लांट हैं,
और एक प्लांट मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है, इसमें भी रूटिंग हो गई थी बहुत अच्छे से, तो मैंने इसको भी लगा दिया है। तो ये हमारा छोटा सा इंडोर गार्डन है। यहाँ पर देखिए फिलोडेंड्रोन बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, और मैंने इसकी भी एक कटिंग इसी में लगा दी थी। दो बार मैंने इसकी कटिंग लगा चुकी हूँ, एक बार इसी में लगा दी है, एक बार फिर से लगाई तो वो भी ग्रो हो गई। ये हमारे मनी प्लांट जो मैंने एक एक लीफ से इसको प्रोपोगेट किया था। इधर डहेलिया, इस बार डहेलिया की कटिंग सारी ही मेरी ग्रो हो गई हैं, क्योंकि अभी इनका मौसम आ गया है, अभी मैं थोड़ी सी और कटिंग लगाऊँगी। और ये पॉइनसेटिया है, इधर देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक कटिंग मैंने फिर से लगा दी है, अभी दो दिन ही हुआ है इसको लगाए हुए मुझे। और यहाँ पर मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, कुछ कैलेंचो को भी कटिंग लगा दी है, ब्रांच मेरी टूट गई थी तो। और यहाँ पर कोलियस है, ये ग्रीन ड्रेसिना है, यहाँ पे देखिए मैंने कनेर की कटिंग लगाई थी, वो भी ग्रो हो गई है, अब रूटिंग शायद हो गई होगी इसमें। और यहाँ पर भी कुछ अडेनियम है जिनकी ग्रोथ हो रही है, ये देखिए इन सबको मैंने प्रून कर दिया था, जो मेरे फरवरी से लगे हुए सीडलिंग थी। ये जो मैं हाइब्रिड क्रिसेंथियम लेकर आई थी उनको भी मैंने रिपोर्ट कर लिया था, और कटिंग इनकी लेकर आई थी, इनमें रूटिंग अच्छी हो गई थी। ये देखिए हमारा कोलियस, ये भी बहुत अच्छा है, क्रोटन। और इधर कुछ हैंगिंग है, यहाँ पर देखिए कटिंग से लगा हुआ हमारा अडेनियम है, इसमें चार कटिंग मैंने लगाई थी और बहुत अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही हैं। और एक को तो मैंने प्रून कर दिया ना, उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए इनका अपने आप ही इसमें ग्रो हो गया था, और कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। ये डहेलिया है मेरे लास्ट ईयर के, और इनकी पत्तियां देखिए फिर से कर्ल हो रही थी। मैंने कल ही इसमें थोड़ा सा एमिडा क्लोप्रिड और फंगिसाइड का स्प्रे दोनों को मिक्स करके कर दिया है, क्योंकि अलग अलग करना थोड़ा बार बार थोड़ा उतना टाइम नहीं मिल पाता है। ये देखिए इस तरह से पत्तियाँ अगर आपकी हो रही हैं तो आप ज़रूर स्प्रे करिए, नहीं तो आपके डहेलिया ख़राब हो जाएंगे। तो थोड़ा और पहले कर देती तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं आने पाती, लेकिन कोई बात नहीं, जब न्यू ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। ये देखिए इधर हमारा गुलाब का प्लांट है, जिसमें इतनी सारी कलियां आई हैं, इसको मैंने फर्टिलाइज़र दिया है, मैं इसकी प्रूनिंग भी करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं करूँगी, लेकिन अक्टूबर में आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो देखती हूँ मैं कैसे फिर करूँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी वीडियो भी। देखिए कितनी सारी कलियाँ और कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, देखिए बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है और पूरी कलियों से भरा है। ये मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, उससे पहले इसमें कलियाँ और इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। यहाँ पर भी देखिए सभी में कलियाँ आई हुई, रेड कलर के रोज़ हैं, बहुत प्यारे से इसमें फ्लावर आते हैं। देखिए सभी जगह कलियाँ हैं हर ब्रांच पे, और यहाँ पे एक फ्लावर भी खिला, पता नहीं ये आधा खिला है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर, ये आधा खिल के ही मुरझाना भी शुरू हो गया। देखिए रेड कलर का रोज़ है, देखिए पर्सलिन एक बॉटल में लगे हुए थे, कितने सुंदर खिल रहे हैं। इधर सारे हमारे क्रिसेंथियम हैं, जिनको मैंने अभी तक मस्टर्ड के का फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, मैं बस आजकल करते करते लेट हो रहा है, इनकी ग्रोथ भी होते जा रही है अपने आप ही। और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देंगे तो इनको और अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो प्लांट की किसी किसी में तो कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई थी, तो मैं उनको पिंच कर देती हूँ अभी, ताकि क्योंकि मुझे अभी कलियाँ नहीं चाहिए, थोड़ा और मैं इसको बूसी बनाना चाहती हूँ प्लांट को, उसके बाद ही मैं इनमें से कलियाँ फिर लूँगी। तो वैसे काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो जो आपकी हाइब्रिड वेरायटी होती है, बहुत बिग साइज़ के फ्लावर आते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा पिंचिंग मत करिए, लेकिन जो देसी वेरायटी है उसको आप पिंचिंग करते रहिए, ताकि वो आपके अच्छे यानी ग्रोथ कर सकें। इस तरह से ये देखिए, और उसमें खूब सारे बंचेस में फ्लावरिंग होगी, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में फ्लावर आते हैं फिर उसमें। तो हाइब्रिड वाले को बहुत ज़्यादा पिंचिंग करने से प्लांट फिर आपका ख़राब हो सकता है, उसमें फिर ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी क्योंकि नहीं होती है, एक दो ब्रांच ही होती है ज़्यादातर उसमें, तो इसीलिए। और जो मेरा रेड कलर का है, इसकी भी बहुत ज़्यादा पिंचिंग वैसे नहीं करनी होती है, लेकिन मैं तो कर देती हूँ, क्योंकि हो भी जाती है, इसमें ब्रांच निकल भी आती हैं। एक रेड कलर का जो मैरून कलर का मेरे पास प्लांट है, तो ये सारे हमारे क्रिसेंथियम हैं। और इधर टिकोमा है, टिकोमा को बस हम कुछ दिन बाद इनको यहाँ से हटा के सारे मैं विंटर के प्लांट यहाँ पर शिफ्ट करूँगी। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आए हुए हैं इनमें। इधर अलमंडा भी हमारा अच्छे से खिल रहा है, इधर ये देसी बिस्कस है, और नागचंपा में फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए कितने सुंदर इसके फूल हैं, और ऊपर में बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं। ये हमारा एक मिनेचर हिबिस्कस है, और पर्पल हिबिस्कस को तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी इसको अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रही हूँ मैं, क्योंकि गमला बिल्कुल ऊपर तक भरा है, और नाइट्रोजन की भी इसमें कमी है, काफ़ी टाइम से मैंने इसको कोई खाद वगैरह नहीं दी है। तो ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये संडे को फ्लावर इसमें नहीं आया रहता, कभी कभी आता है, रोज़ नहीं आता इसमें फ्लावर। और ये देखिए हमारा मिनीचर हिबिस्कस, बहुत सुंदर इसके फूल होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं लेकिन बहुत प्यारे खिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम से बहुत ही फ्लावरिंग करी है इस प्लांट ने, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दे पाती हूँ यहाँ इतना अंदर घुस के। और ये देखिए हमारे रेड हिबिस्कस हैं देसी वाले, उधर ऑरेंज कलर का भी है,
जो खिलता रहता है। ये अलमंडा है, सारे एक ही प्लांट है लेकिन काफ़ी अच्छा खिल रहा है ये भी। और इधर सारे लेंटाना है, ये देखिए लेंटाना बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूंगी क्योंकि अभी पूरा विंटर ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं, बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं इनमें। ये अलमंडा है, अलमंडा की समय पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सूख रही हैं और पता नहीं मौसम चेंजिंग का असर इसमें भी होगा क्योंकि अभी धीरे धीरे डोरमेंसी में जाने वाले हैं कुछ ही टाइम में, तो फिर ये विंटर में फ्लावरिंग नहीं करते हैं इसलिए अब धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ झड़ेंगी, फिर फ्लावर भी आने बंद हो जाएंगे। तो अभी फ्लावर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन पत्तियाँ देखिए, यहाँ का बीच का पार्ट पूरा खाली हो गया है, इतनी ज़्यादा पत्तियाँ इसकी गिर चुकी हैं। सामने सामने से बहुत अच्छा हेल्दी है देखिए, और क्रिसेंथेमम की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी। बस मैं इनकी पिंचिंग करती रहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी अभी और ज़्यादा घना चाहिए प्लांट। ये देखिए इस तरह से आप पिंचिंग बिल्कुल करते रहिए, नहीं तो इस पर कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। और आज ही मैं मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बना कर रखूँगी और दो तीन दिन बाद उसको देना स्टार्ट करूँगी फिर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2 हफ्ते से बोल रही हूँ लेकिन बना नहीं पाई अभी तक। ये देखिए ये मैक्सिकन हैदर का प्लांट है, इसमें बहुत सुंदर छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। ये एक देसी विस्कस, देखिए मैंने कटिंग ऐसी लगा दी थी और इतना ज़्यादा हेल्दी ग्रो है, पूरे क्रिसेंथियम को ये दबा रहा है। तो मेरे पास वैसे बहुत सारे प्लांट है, इसके रेड कलर का हिबिस्कस है डबल पेटल वाला, और ये बरगद का प्लांट है, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा। ये जो अमरूद का प्लांट था ग्वावा, इसमें फ्लावरिंग तो होती है लेकिन फ्रूटिंग रुक नहीं पा रही, तो मुझे थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना पड़ेगा इसमें। ये हमारा येलो अलमंडा है, ये देखिए इसके प्लांट पता नहीं किधर इधर उधर फैल गए हैं पूरे। और जीनिया मेरे सारे ही ख़राब हो गए, पानी न देने की वजह से पूरे ही सूख गए, तो मैंने सबको बाकी तो सबको हटा दिया। ये प्लांट मेरा अभी भी बचा हुआ है, ये भी पूरा सूख गया है। और यहाँ पर देखिए कैलेंडुला, कुछ और सीडलिंग पड़ी हुई थी, ये भी देखिए मैंने ऐसे ही डाल दिया था तो ये भी ग्रो हो गए यहाँ पर। ये लेंटाना मैंने बाद में कटिंग से लगा दिया था, ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो हो गया है। तो ये हमारा थर्ड फ्लोर का गार्डन है। यहाँ पर देखिए मैंने डहेलिया आपको दिखाया था प्रून करके, और कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है, न्यू ब्रांच निकल करके आ गई हैं इसमें। इसमें भी मैंने थोड़ा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है। इसमें देखिए जो मैंने लास्ट में प्रूनिंग करी थी, इसमें भी देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो ये काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ग्लैडुलस के कुछ बल्ब लगाए हैं, और देखिए कल ही लगाए थे, कल ही देखिए स्प्राउटिंग पहले से हुई थी लेकिन थोड़ा ऊपर दिखने लगे हैं ये। और 3 बल्ब मैं इसमें लगा दिए, 3 बल्ब मैंने इसमें लगा दिए हैं, और इनको देखती हूँ अभी कब तक मैं अच्छे से ग्रो होते हैं, तो मैं इसके अपडेट से एक वीडियो शेयर करूँगी बाद में। ये देखिए हमारा पर्सलिन कितने अच्छे से ब्लूम्स हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए डहेलिया मैंने एक उखाड़ के लगाया हुआ था आपके सामने, तो इसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, नहीं तो इसके जो ये हैं ये काफ़ी टाइम से वैसे निकाल कर मैंने रखा था तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया तो थोड़ी सी देखिए इसके जो रूट्स हैं कुछ स्टेम इसकी गल रहे हैं, ये कोडेक्स सॉरी इसका जो बल्ब है। और यहाँ से देखिए इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी पत्तियाँ इसमें भी पता नहीं कि कोई कीड़े वगैरह खा रहे हैं। ये हमारा बेलपत्र का प्लांट है, बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने अभी इसकी प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन इसमें बार बार बटरफ्लाई अपने अंडे देके जाती है और कैटरपिलर बनते रहते हैं, सारी ही पत्तियाँ खा जाते हैं, लेकिन अभी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो बस यही है हमारा गार्डन, अभी कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा विंटर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी तो फिर गार्डन अच्छा दिखने लगेगा। और बस वही पुराने प्लांट पुराने फ्लावर ही हैं जो भी खिलते रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी आप अपने गमलों को अच्छे से पेंट कर लीजिए, मिट्टी को ड्राई करके अच्छे से रख लीजिए ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे प्लांट में, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। पुरानी मिट्टी पुराने गमलों की सारी मिट्टी को आप धूप में 2 दिन के लिए डाल दीजिए अच्छे से, और बहुत अच्छे से वो फिर से एनर्जी उसमें आ जाती है और बहुत अच्छे से प्लांट आपके चलेंगे विंटर के। तो यही छोटे छोटे काम आप करते रहिए अपने गार्डन में, तो आपका गार्डन काफ़ी अच्छा, प्लांट हेल्दी रहेंगे। बस